नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान देश आए दिन किसी न किसी कारण सुर्खियों में बना रहता है। कभी वहां के नशेड़ी इमरान खान कोई हरकत कर देते हैं तो कभी वहां के क्रिकेट खिलाड़ी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया उन पर थू-थू करती है। पाकिस्तान देश के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वहां क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो वो भी अब बिल्कुल डूब रहा है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण कोई भी देश अब पाकिस्तान को अपने यहाँ खेलने के लिए नहीं बुला रहा। अब खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना गिर रहा है तो उन्हें कोई देश क्यों ही पूछेगा। अब इन सब को लेकर पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी शुएब अख्तर ने जो चीज़ बोली है, जिसके बाद पूरी दुनिया तो उन्हें खूब सुना ही रही है, साथ में पाकिस्तान की जनता भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना रही है। ICC ने रविवार को दशक की बेस्ट T20 वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान किया। तीनों टीमों में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। यहां तक दुनिया के टॉप T20 बल्लेबाजों में शामिल बाबर आजम को भी किनारे कर दिया गया। ICC के इस फैसले से पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दशक की बेस्ट T20 टीम को IPL की टीम ही बता दिया। पहले आपको बता देते हैं कि अख्तर ने क्या कहा। मुझे लगता है कि ICC भूल गया है कि पाकिस्तान भी ICC का सदस्य है और वह भी T20 क्रिकेट खेलता है। उन्होंने बाबर आजम को नहीं चुना, जो कि इस समय T20 रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज है। ICC ने 10 लोगों की इजाजत दे दी है क्योंकि इसमें पैसे बनते हैं। भारत के सामने उसकी हवा निकल जाती है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। ICC को शर्म नहीं आती कि उसने खेल को खत्म कर दिया। बाबर आजम से बड़ा कोई खिलाड़ी T20 का पाकिस्तान में नहीं है, वह विराट कोहली के बाद बेस्ट है। ICC सोचेगा कि हमें IPL की टीम नहीं बल्कि दशक की बेस्ट T20 का ऐलान करना था। अब पाक खिलाड़ियों की हालत तो हम सबको पता है। अब उन्हें ICC ने नहीं चुना तो अख्तर को मिर्ची लग गई। चलिए मिर्ची तो लगी, लेकिन इन्होंने इसका भी इल्ज़ाम भारत पर ही लगा दिया। मतलब भारत से इनको इतनी दिक्कत है कि ये हर जगह भारत को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। वहीं सबके बाद लोग इन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, पहले अपने खिलाड़ियों को देखो, फिर ICC के ऊपर सवाल उठाना। वहीं पाकिस्तान की जनता भी अख्तर के इस बयान के बाद काफी खफा है। अख्तर वही है जो पहले भारत की खूब तारीफ करते थे। अब भारत में इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये अब भारत को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपके क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।